हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो दिन है टुवर्ड्स हमारा लास्ट डे ऑफ वेकेशन था, तो हम एज यूजुअल सुबह हमने बीच में खेला और लंच करने के लिए हम निकल पड़े थे। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग भी साथ में कर लेंगे। लंच में ये एक रेस्टोरेंट ट्राई करना बाकी रह गया था वो स्ट्रीट में से, तो हम यहाँ पे चले गए थे। ये सारे रेस्टोरेंट्स के डिटेल मैंने अपने साइट में पब्लिश की है, लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो शॉपिंग स्ट्रीट है ये कैनाकोना बीच और पलोलम बीच के जो स्ट्रेच है उसी में ये पूरा स्ट्रीट शॉपिंग बैठा हुआ है। हर कोई चीज़ यहाँ पे मिलती है, ड्रेस, फुटवेयर, लाइट्स, होम डेकोर प्रोडक्ट, कोकोनट शेल पाउडर से बनी गई चीज़ें हैं ज़्यादातर, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, सभी को पता होगा कैशनट्स यहाँ पे बहुत चीप मिलते हैं, तो फैनी, स्पाइसेस, हर कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड वैरायटीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी वैरायटीज़ है। हम इतने कंफ्यूज हो जाएंगे शॉपिंग करते करते, क्योंकि हम जब तक हमने एक नहीं देखा दूसरी हमारी आँखों को इतना अट्रैक्ट कर लेगी कि हम वहाँ पे चल पड़ेंगे। इतनी चीज़ें बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, और अगर आपको होम डेकोर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके लिए यहाँ पे 100 ऑप्शंस मिलेंगे। बस बात यह है कि आपको यहाँ पे अच्छे से बारगेनिंग करना आना चाहिए। अगर बारगेनिंग नहीं कर पाते हो तो कम से कम कंफ्यूज करा के शॉपिंग कर लो उन्हें। तो हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं जब से गई थी तब से मैं एक एक चीज़ें शॉप कर रही थी हर रोज़, क्योंकि नहीं कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ चलो आज कुछ नया शॉपिंग करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैंने एक ही दिन में सारे शॉपिंग कर ली तो मैं बोर हो जाऊंगी। इसलिए मैंने हर एक दिन डिसाइड किया था कि आज मैं ये शॉप में जाऊंगी और मैं ये चीज़ें खरीदूंगी। तो ये एक ट्रिक था मुझे खुद को कन्विंस करने के लिए। यहाँ पे बोहेमियन स्टाइल का बहुत सारा डेकोर शॉप्स था, इतने सुंदर सुंदर बोहेमियन प्रोडक्ट्स उनके पास थे। मैंने इतने सुंदर बोहेमियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुंबई में भी कहीं पर भी नहीं देखा है, ना ही ऑनलाइन में मैंने कहीं पे देखा है। उतने सुंदर थे वहाँ पे, बहुत अट्रैक्टिव थे। जैसे ही हम स्ट्रीट शॉपिंग ख़त्म किए वैसे ही हम आ गए थे हमारे बाइक, जो रेंटेड बाइक है उसे रिटर्न करने के लिए। और मेरी बेटी जिसने एक पग के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी वो उसे मिलने के लिए बहुत तरस चुकी थी। वो कह रही थी कि चलो मम्मा थोड़ी देर जाके पगलिन के साथ खेल के आते हैं। दुरई जी काफ़ी कंसर्न हो रहे थे इनको देखकर, क्योंकि वो जो पेट था शक्ति के पैंट कोई पकड़ के खींचे जा रहा था, बिल्कुल छोटा सा पप्पी था वो, इसलिए वो काफ़ी शैतान था। रन पर इट विल कैच यू, डोंट गो टू फार। सो क्यूट इज शी, नोज हाउ टू हैंडल द डॉग, दैट्स वाई। सो लवली। Yes. Love you. No, he loves you. He wants to play with you. Yeah. He's equally excited. Also, look at him. He also wants to play. तो सारे जो पेंडिंग वर्क्स हैं मेरे ये जो ट्रिप में ख़त्म हो चुके थे। टाइम इतना स्लो गया क्या बताऊँ। मुंबई में तो बस सुबह उठा हुआ होता है और दिन शाम रात उड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे हम उठे थे फिर भी ऐसा लग रहा था कि टाइम इज स्टिल सो स्लो हियर। हमने एक एक मोमेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय किया,
और सनराइज तो देख नहीं पाए क्योंकि हम वेस्ट साइड में थे, बट हम सनसेट हर रोज देखते थे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मुंबई में भी मैं हर रोज सनसेट देखती हूँ क्योंकि मेरा जो टेरेस है वो वेस्ट फेसिंग है, बट ये बीच में आके सनसेट देखने का मज़ा कुछ और ही था। फैमिली के साथ बिताई जाने वाली हर एक मिनट कीमती होता है। वो जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो बहुत इंक्रीज होती है। फैमिली रिलेशनशिप्स में जो लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जो कोई भी नेसेसिटी होती है, जो कोई भी नेसेसरी इमोशंस होते हैं, वो नेचुरली बहुत अच्छे से बॉन्ड हो जाता है। जब लाइफ में कोई डाउन मोमेंट आता है तो ये सारी मेमोरीज को जब हम देखेंगे तो हम चीयरफुल हो जाएंगे और हमें ये रियलाइज होगा कि हमारी लाइफ हमेशा बुरी नहीं होती है। हमारा एक वक्त होता है जो बुरा होता है, तो जाना चाहिए वेकेशन में, टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो बीच वेव्स का जो साउंड होता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसकी जो साउंड है वो हमारी नर्व को काम डाउन करती है। फिर वक्त आ चुका था, हमें निकलना था मडगांव जंक्शन के लिए, तो हम ट्रेन से ही जा रहे थे। ये टाइम हमने 2 टियर बुक की थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई भी टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये था हमारा घर 8 दिन के लिए। काफी अच्छा था, काफी सुंदर था। ये जो सारी चीजें हैं, पेड़ से लेकर, पौधों से लेकर, हवा से लेकर, आसमान से लेकर, हर कोई चीजें में लाइफ टाइम तक के लिए याद रह जाएगी। और जब कोई मेमोरी इतनी स्वीट हो तो लाइफ की बात ही कुछ अलग हो जाती है। मारगांव जो होता है, गोवा का कल्चरल और कमर्शियल हब होता है। पोर्चुगीज टर्म में मारगांव स्टेशन कहा जाता है और कोंकणी स्टाइल में लोग उसे मडगांव कहते हैं। काफी सारे लोकलाइज इस जगह को मारगांव करके एड्रेस करते हैं। पोर्चुगीज ने गोवा को रूल किया था 1960 तक और आखिर में 36 घंटे के लॉन्ग बैटल के बाद हमारे भारत ने गोवा स्टेट को अपना हिस्सा बना लिया था। आज भी गोवन कल्चर और क्यूजीन में जो पोर्चुगीज का स्टाइल है वो रिजेंबल होता है। काफ़ी सारे जगह पे आप देख सकते हैं उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल, उनका खाना, उनका कल्चर, हर कोई जगह पे आज भी पोर्चुगीज स्टाइल आपको दिखाई देगी। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे और हमने सोचा कि रेलवे स्टेशन जाने से पहले लंच कर लेंगे। जैसे ही लंच हुआ था हम आ चुके थे मडगांव स्टेशन और शक्ति काफ़ी सैड थी, उसे नहीं जाना था। वो कह रहे थे कि मम्मा हम यहीं पे घर ले लेंगे, हम गोवा में ही रुक जाएंगे। फिर हमने राजधानी एक्सप्रेस फिर से बोर्ड की थी, मडगांव मुंबई एक्सप्रेस। इस बार भी ट्रेन काफ़ी क्लीन था। आई थिंक राजधानी एक्सप्रेस काफ़ी क्लीन है कंपेयर टू ऑल अदर एक्सप्रेस, क्योंकि मैं जो साउथ इंडियन ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ उससे तो मुझे ट्रॉमा ही हो जाता है। मैं जो भी ट्रेन साउथ इंडिया को ट्रैवल करता है उस ट्रेन में मैं जाना पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि उनका मेंटेनेंस उतना ख़राब रहता है। ये 2 टियर और जो 3 टियर का एक डिफरेंस होता है कि 2 टियर में जो मिडल बर्थ होता है यू कैन पुल इट डाउन टू स्लीप ऑन इट, आप उसे नीचे खींच कर उसके ऊपर सो सकते हो, क्योंकि बैठने के लिए जो सीट दी है वो थोड़ी चौड़ाई में कम है और सोने के लिए जो सीट दी है वो चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा है। 3 टियर में मिडल बर्थ दिया जाता है जिसमें आप 1 पर्सन कैन स्लीप, एक इंसान सो सकता है। हमने ये टाइम ज़्यादा आउटिंग नहीं की, एक ही रीज़न के लिए कि पैंडेमिक था और मैं बच्चे के साथ रिस्क नहीं करना चाहती थी क्राउड पे जाकर। शक्ति को ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो काफ़ी बोर्ड हो चुकी थी। मुझे भी थोड़ा डाउट था कि शायद वो ट्रेन एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि ये उसका फर्स्ट ट्रेन राइड था। मैंने काफ़ी सारे कलर्स, गेम्स,
थोड़ी कुछ चीजें मैंने पैक कर ली थी कि हमें शाम का टाइम थोड़ा बोरिंग लग सकता था, सोच के मैंने थोड़ी चीजें उसके लिए पैक कर ली थी। और जैसे ही रात हुआ था हम सो गए थे और मिडनाइट 3:30 तक हम पहुंच चुके थे हमारे घर। इस वीडियो की कंटिन्यूशन में मैं ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने गोवा से क्या क्या चीज़ें शॉप की है। इसमें काफ़ी होम डेकोर के प्रोडक्ट्स मैंने इस बार खरीदी है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके कंटिन्यूशन पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।